रविवार को बिलासपुर के सिरगिट्टी शुभम विहार उच्चका विहार में सोलापुरी माता पूजा पंडाल में देवी को 21 प्रकार के व्यंजन महाभोग लगाए गए। खड़गपुर से आए हुए पुजारी भास्कर साईं ने बताया कि मौसमीय बीमारियों से बचाव जैसे चिकन पॉक्स, चेचक, डेंगू जैसी महामारी बीमारियों से बचाव के लिए माता जी का पूजा का आयोजन किया जाता है। पूजा के अंतिम दिन देवी माता को 21 प्रकार के विशेष प्रकार के व्यंजन भोग के तौर पर लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की जी प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है और कुंभ पूजा के बाद पूजा पंडाल में उपस्थित तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को अन्नदान प्रसाद के रूप में दिया गया। रविवार शाम 7 बजे सोलापुरी माता जी का विसर्जन शोभा यात्रा के साथ पूजा पंडाल से शुभम विहार का विहार मां शारदा मंदिर के रास्ते न्यापारा नजर लालपारा एवं पूरे सिरगिट्टी क्षेत्र में मां मरी माई मंदिर में रात्रि 12 बजे तक विसर्जन किया गया। सोलापुरी माता जो 14 तारीख को राटा पूजा से प्रारंभ हुआ है, जो 7 दिनों तक माता की अलग अलग प्रतिमा विराजित की जाती है और आज माता का अंतिम महा विराट रूप से जो काली माता की आज पूजा की जाती है, जो 21 प्रकार के व्यंजनों से उनका माता का पूजा किया जाता है। मतलब इन 7 दिनों में जो भी माँ की पूजा या व्यंजन में जो भी कमी है उसको आज पूरा किया जाता है 21 प्रकार के भोग से। और शाम के माता का विसर्जन है जो हमारी माई मंदिर में किया जाएगा शाम 7 बजे। यह सोलापुरी माता शुभम विहार में 14 तारीख से प्रारंभ हुआ है और आज समापन है। 14 तारीख को जो राटा पूजा हुआ उसके बाद 15 तारीख को यहाँ से शोभा यात्रा निकला मरीमाई से शोभा यात्रा निकल के पूरा सिरगिट्टी क्षेत्र में पूरा भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद में फिर आके पंडाल में शुभम विहार में वे स्थापित किए गए। उसके बाद सारा दिन सातों दिन अलग अलग प्रकार के माताओं का यहाँ वे निकाले, अलग अलग माता का रूप दिखाए और उसके बाद आज कुंभम पूजा आज समापन समारोह है। मैंने कुंभम पूजा का आयोजन किया जा रहा है, दिन में खाना पीना पूरा लोगों का किया जाएगा। उसके बाद शाम को फिर से पंडाल से शोभा यात्रा माता का निकाल के पूरा सिरगिट्टी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मरी माई में विसर्जन किया जाए। अपना नाम प्रेम चौहान बिलासपुर से, मैं पार्टी की रिपोर्ट।